भयावह जंगल के राजा शेर काफी बूढ़े हो चुके थे। अब उनसे शिकार नहीं होता था, उनके खाने के वांदे हो गए थे। वो जानते थे कि उनकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल रखता है। लिहाजा उन्होंने एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। आपने मुझे बुलाया शेर राज? हाँ भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार करना मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा आइडिया दो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। ऐसे आइडिया से तो इंसान ही फंस सकते हैं। तो बताओ, एक तो इंसान ही फंसा लूं, एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। शेर राज, इंसान तो एक नंबर का लालची जानवर है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किसका? शेर राज, ये देखिए। ये क्या है? पता नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 आदमियों को इस चीज के लिए लड़ते हुए देखा था। इसका मतलब अगर ये किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारा शिकार बन जाएगा। तो चले इंसानों की बस्ती की तरफ। सियार की बात सुनकर शेर उसके साथ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती से कुछ ही दूरी पर पहुंच जाते हैं। शेर राज, यहाँ से इंसान अपनी बस्ती में जाने के लिए गुजरता है, ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप पोजीशन ले लो, मैं इंसान को ये चीज दिखाता हूँ, ठीक है? नमस्कार बनिया काका। क्या बात है सियार, इस तरह मेरे सामने आने का मतलब? बनिया काका, ये मुझे कुछ दिन पहले मिला था, मेरे किसी काम का नहीं, आपको चाहिए तो आप ले लो। खरा सोने का लगता है, पर ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये, कहीं इसके पीछे इसकी कोई चतुराई तो नहीं? क्या सोचने लगे बनिया काका, लीजिए, आखिर ले ही लीजिए, आ जाइए, या मैं आगे आ जाऊं? नहीं सियार भाई, मैं ठहरा बनिया, मेरी दुकान में अनाज बिकता है, ये मेरे किस काम का, फेंक दो इसे, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अरे तो आप ही अपना नसीब खोल लो, ले जाओ। कहा ना, मैं क्या करूंगा इसका, फेंक दो। क्यों बे सियार, तू तो कह रहा था इंसान इसे देखते ही हमारा शिकार हो जाएगा, इसने तो तुम्हें भाव ही नहीं दिया। वही तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। तुम्हारे भरोसे रह गया मैं, इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता, वो मेरे पंजे में होता। अरे ये वापस क्यों आ रहा है? पता नहीं, छिप जाओ शेर राज। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा, कमबख्त ने फेंका ही नहीं, काश मैंने तभी ले लिया होता। देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। शेर राज, ये चीज हमें यहीं फेंक देनी चाहिए। अरे फिर हम शिकार कैसे फसाएंगे? बस आप देखते जाओ। एक बार देखता ही गया, कुछ नहीं मिला। थोड़ा सब्र रखिए शेर राज, इंसानों में कहावत है सब्र का फल मीठा होता है।
कमबख्त ने फेंका होता तो यहीं कहीं होता, मतलब वो लेकर चला गया। पता नहीं क्या करेगा उस कंगन का। कहो बनिया भैया, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया क्या? ये ठहरा ज्वेलर, सोने चांदी को देखने में इसकी निगाहें तेज रहती हैं। अगर इसे बता दिया तो ये आसानी से देख लेगा। इसके देखते ही मैं उठा लूंगा। अरे क्या सोच रहे हो भाई? बात यह है कि अभी अभी मैं यहाँ से बस्ती की तरफ जा रहा था तो एक सियार मिला। उसके हाथ में सोने का कंगन था। मुझसे कह रहा था आकर ले लो। फिर तुमने लिया क्या? नहीं, मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अच्छा किया, सियार का क्या भरोसा? उसके साथ शेर हो और वो तुम्हारा शिकार कर ले? अरे हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। शेरराज, वो आ रहे हैं। तो क्या करूं, पहले भी तो एक आया था। शेरराज, उसने कंगन देखा, शिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। बनिया को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर इसके नसीब में होता तो तभी इसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, मैं मन ही मन तुम्हारी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर तुम कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के फंदे में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी भी खतरा हो सकता है। चलो जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार। यह तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने चीज देखने के बाद भी नहीं उठाया। कौवे महाराज ने इंसानों पर जो बुक लिखी थी, इंसानी फितरत, उसके मुताबिक इन दोनों में से किसी एक को इसे उठाने के चक्कर में हमारी जाल में फंसना चाहिए था। इससे पहले कि कोई और वहां से गुजरे और उसकी नजर कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर ले लेना चाहिए। अरे बनिया भैया, याद आया, मुझे एक पेमेंट लेना था, रह गया। आप चलिए, मैं वापस दुकान पर होकर आता हूँ, ठीक है? अचानक इसे पेमेंट लेने का कैसे याद आया? बनिए से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है। सियार, तुम्हारा आइडिया फेल हो गया। इससे तो जंगल में ही कोई छोटा मोटा खरगोश खा लेते तो अच्छा था। चलो वापस। शेरराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। वो देखो, जिसने वो चीज देखी थी उठाने आ रहा है। लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। क्यों सुनार भैया, बनिए से चालाकी, इस कंगन पर मेरा हक है। नहीं, तुम्हारे नसीब में होता तो तुम्हें अब तक मिल गया होता। इसे मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मैंने कहा ना, इस पर मेरा हक है। हट जाओ तुम। और अब तुम दोनों पर शेरराज का हक है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये तुम्हारे जाल में फंस गया। हाँ शेरराज, आज इंसानों की समझ में एक बात आ जाएगी। अपने जाल में जानवरों को ही नहीं, जानवर भी इंसानों को अपनी जाल में फंसाकर उनका शिकार कर सकते हैं।
शेर और बुढ़िया। ज्वालापुर के जंगल में एक शेर रहता था। पूरे जंगल में सभी उससे डरते थे। शेर को किसी का डर था तो वो था सिर्फ इंसान का। एक दिन शेर सोचता है कि अगर इंसानों की भाषा वो समझ ले तो वो सावधान होकर इंसानों से भी बच सकता है और उन पर भी अपनी हुकूमत कर सकता है। ये सोचकर वो अपने नरसिम्हा भगवान की पूजा में लीन हो जाता है। एक दिन भगवान नरसिम्हा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उनसे मांगता है, हे नरसिम्हा देव, आपने मुझे इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर बनाया। मैं किसी से भी नहीं डरता, किंतु इंसान बड़ा चालाक पशु है। मैं समझ भी नहीं पाता और वो अपनी चालाकी से मुझ पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुझसे क्या चाहते हो? यही कि मैं इंसानों की भाषा सुनकर समझ सकूं, ताकि उनसे सावधान रहकर ना सिर्फ उनसे बच जाऊं बल्कि उन पर कब्जा कर सकूं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो तो कर लो, तथास्तु। दूसरे दिन शेर जैसे ही अपने जंगल से गुजर रहा होता है तभी दो शिकारियों की बातें सुनकर रुक जाता है। सुनो, आज शाम को हम नदी किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे पत्तों से ढक देंगे। जब जानवर नदी किनारे पानी पीने आएंगे तो उन्हें पत्तों पर से गुजरना होगा, और जैसे ही वो उन पत्तों पर से गुजरेंगे उन गड्ढों में गिर जाएंगे, फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। गड्ढे में हम नहीं, तुम दोनों गिरोगे। शेर महाराज, ये गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो? देखते जाओ, अभी पता चल जाएगा। शाबाश हाथीराज, अब इसे गड्ढों के ऊपर ऐसे बिछाओ कि गड्ढा दिखाई ना दे। जल्दी करो, शाम होने को है। शेर राज, दो शिकार इंसान इस तरफ आ रहा है, भागो! भागो! अरे भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे? आसपास छुप जाओ, बताता हूँ। आओ, इसी नदी पर जानवर पानी पीने आते हैं, यही गड्ढा खोद देते हैं। हाँ चलो जल्दी। अरे अरे, ये क्या हो गया? यहाँ गड्ढा किसने खोदा? अब हम निकलेंगे कैसे? दोस्तों बाहर आ जाओ, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने हमारा नहीं, हमने इनका शिकार कर लिया है। अरे परी आइडिया आपको आया कैसे? मुझे इंसानों की भाषा समझने का आशीर्वाद मिल गया है। मैंने इनकी बातें सुन ली थी और इनकी चालाकी से इनके जाल में इन्हें ही फंसा लिया। क्या बात कर रहे हो शेर महाराज, तब तो आपके रहते हमें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब मैं चाहूँ तो इंसानों की दुनिया में भी निडर होकर घूम सकता हूँ। और शेर को इस बात का घमंड हो जाता है कि अब इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही सोचकर वो जंगल से गांव की ओर घूमने निकल पड़ता है। यहाँ गांव की एक झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने जवान बेटे पर चिल्ला रही है। पुन्नो, ए पुन्नो, अरे कहाँ मर गया तू? अरे मरा नहीं अम्मा, अभी जिंदा हूँ। तो मर जा, जाकर देख, कल्लू धोबी हमारा गधा ले गया था, कहा था शाम को दे जाऊंगा, अभी तक देने क्यों नहीं आया? अरे जमींदार के यहाँ मिट्टी ले जाना है, शाम हो रही है और तुझे पता है रात को मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। अगर जमींदार के यहाँ रात तक मिट्टी नहीं पहुँची तो सवेरे वो हमें अपनी इस झोपड़ी से निकाल देगा। ओफो अम्मा, इतना चिल्लाती हो तुम, अभी जाकर देखता हूँ। हाँ देखा, वरना उस कल्लू धोबी को तो मैं देख लूंगी और ऐसा उठा कर पटकूंगी कि पुराने कपड़े की तरह तार तार हो जाएगा। हाँ, आपकी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं जाएगी अम्मा, अब कल्लू धोबी को कैसे उठा कर पटकोगी? 1 किलो का वजन तो उठता नहीं है आपसे। जब भाग यहाँ से, पता नहीं क्या समझ रखा है कल्लू धोबी ने, एक गधा भी नहीं खरीद सकता, गधा कहीं का। वहाँ घूमता हुआ शेर गांव की इस झोपड़ी को देखकर सोचता है, वाह, इंसानों का गांव, अभी जाकर उनकी बातें सुनता हूँ और समझता हूँ उनकी चालाकी। इंतजार करते करते रात हो गई, ये कल्लू धोबी पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक मेरा गधा लेकर नहीं आया, और ये मेरा निकम्मा बेटा, ये भी पता नहीं कल्लू धोबी के यहाँ गया या सीधा नरक पहुँच गया। अब जमींदार के काम का क्या होगा, सवेरे होते ही चिल्लाएगा वो। ये जमींदार क्या समझता है, मैं उससे डरती हूँ? अरे जमींदार तो क्या, अगर शेर भी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो उससे भी नहीं डरती। हाँ,
अरे ये कौन सा इंसान है जो मुझसे नहीं डरता? जमींदार, अगर शेर भी आ जाए ना मेरे सामने तो कान पकड़कर दो लगाऊ मैं तो उसे, गर्दन के बाल पकड़कर नोच डालूं उसके। लगता है आ गया गधा कहीं का। अब सोने के समय रात को जमींदार की मिट्टी ढोऊं? एक तो रात को ठीक से दिखाई नहीं देता मुझे, उस पर से ये यहाँ मरा खड़ा है। लगता है कल्लू धोबी मेरी बात सुनकर घबरा कर भाग गया। आने दो, अभी दहाड़ूंगा तो खुद ही भाग जाएगी। अबे औकात गधे की, और दहाड़ता है शेर जैसा, तेरी तो अभी पटकूंगी तुझे। अरे बाप रे, ये तो मुझसे डर भी नहीं रही है और मुझे जाने भी नहीं दे रही, अब क्या होगा? अबे अपनी औकात में रह, शेर बनने की कोशिश की तो कान उखाड़ लूंगी तेरे में। हाँ चुपचाप चल, जमींदार के यहाँ चार गोनी मिट्टी डाल दी है, वरना आज बकरे की जगह तेरा ही मांस पका कर खाऊंगी। शेर बेचारा इतना डर जाता है कि सचमुच डर कर वो गधा ही बन जाता है, और रात होने की वजह से बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता है। वो न सिर्फ उसे गधे की तरह मारते हुए अपने साथ नदी किनारे ले जाती है, बल्कि उसकी पीठ पर एक एक करके चार बार में चार गोनी मिट्टी लाद कर जमींदार के यहाँ आंगन में डलवा भी आती है। मिट्टी की गोनी उठा उठा कर बेचारे शेर की कमर टूट जाती है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे नरसिम्हा, एक बार इस मिट्टी और इस बुढ़िया से बचा लो, फिर कभी इंसानों की तरफ देखूंगा तक नहीं। यही रुकना, मैं जमींदार से पैसे लेकर आती हूँ। अपनी जान बचानी है तो भाग ले बेटा, वरना सारी जिंदगी गधा बनकर मिट्टी उठाता रहेगा। अरे क्या हुआ शेरराज, इस तरह घबराए हुए क्यों भागे जा रहे हो? क्या बताऊं हाथीराज, ये इंसान तो बड़े खतरनाक होते हैं। जवान शिकारी तो शिकारी, उनकी बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती हैं। मुझे गधे जैसा काम करवा कर इतना मारा कि क्या बताऊं। हाय, आज से मैं किसी भी इंसान की बात नहीं सुनूंगा। अगर इसने इंसान की बात समझने की जिद ना की होती तो ये बुढ़िया इसकी एक दहाड़ से ही डर जाती, पर बुढ़िया की बड़ी बड़ी बात सुनकर ही ये डर गया। इसे ये पता नहीं कि जब कोई अंदर से डर जाता है तो ऊपर से वो वैसा ही बन जाता है जैसा सामने वाला उसे बनाना चाहता है।